बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। कैसे आप तमाम लोग? यकीनन अच्छे होंगे और खैरियत से होंगे। मैं हूँ समीना जलील और आप देख रहे हैं प्रोग्राम लज्जत। और लज्जत प्रोग्राम में आप तमाम लोगों को खुश आमदेद कहेंगे और सबके लिए बहुत सारा और ढेर सारा प्यार मेरी पूरी टीम की जानिब से कि अल्लाह ताला आप तमाम लोगों को अच्छा रखे और खुश रखे। आपको पता है कि आज 6 सितंबर है। 6 सितंबर 1965 को इंडिया ने पाकिस्तान पर हमला किया था और ये रात की तारीकी में जो ये हमला किया था लाहौर में किया, और इस बात की ख्वाहिश की कि जनाब सुबह का नाश्ता जो है वो लाहौर में करेंगे। लेकिन पाकिस्तान की बहादुर कौम ने और उसकी पाकिस्तान की बहादुर अफवाज ने बिल्कुल उनका ये ख्वाब जो है वो पूरा होने से बिल्कुल रोक दिया और ये जंग जो है वो 17 दिन तक जारी रही। आपको पता है कि पाकिस्तान की तारीख जो है इससे भरी पड़ी हुई है, इनके कारनामों से भरी पड़ी हुई है। और आपको इसके अलावा यहाँ पर जो पाकिस्तान की जो कौम है उसने एक सीसा प्लाई हुई दीवार का काम दिया, बहुत ही जज्बे और खुलूस के साथ अपनी अफवाज का साथ दिया जो कि सरहदों पे हमारी हिफाजत करते हैं और सरहदों पे जंग लड़ रहे थे। तो बहरहाल इसमें इंडिया को शिकस्त हुई और पाकिस्तान ने इसमें जीत रखी। और पाकिस्तान जब जीता उसमें हमारी पूरी कौम का साथ है, हमारी अफवाज जो है उन्होंने बहुत ज़्यादा बहादुरी के साथ उन्होंने इस जंग को लड़ा और ये जंग 17 दिन तक जारी रही। और उसमें जो जो चीज़ें देखने में आई ये तमाम लोग आप लोग पढ़ते रहते होंगे कि किस तरीके से हमारी पूरी कौम जो है उस वक्त बेदार थी और उस वक्त उन्होंने अपनी फौज का बहुत साथ दिया। तो बहरहाल हम अपने प्रोग्राम के थ्रू उन तमाम शहीदों को, उन तमाम गाजियों को सलाम पेश करेंगे कि अल्लाह ताला उन्होंने जो हमारी हिफाजत की है उनकी उस शहादत को और वो जो गाजी बनकर आए हैं उसको कबूल करें और पाकिस्तान की अल्लाह ताला हिफाजत करें। अब हमारी ज़िम्मेदारी बनती है कि हम पाकिस्तान की हिफाजत करें और इसकी इसको आगे तक लेके जाएँ। ये हमारे बच्चे जो हैं उनको ये किस्से बताने चाहिए, चीज़ें बतानी चाहिए, एमएम आलम के बारे में बताना चाहिए कि एमएम आलम कौन थे, किस तरह से उन्होंने जहाज़ जो है 21 में मार गिराए थे। बहरहाल ये तमाम काम करना आप तमाम लोगों का काम है। घर में गई तमाम बच्चों को बिठाएं, उनको ये चीज़ें ज़रूर बताया करें। इससे क्या होता है, एक जज्बा पैदा होता है और अपने मुल्क की हिफाजत का जज्बा जो है हर एक के अंदर मौजूद होना चाहिए कि कोई भी बुरी निगाह से अगर आपके मुल्क को देखता है तो आपके अंदर इतना जज्बा होना चाहिए कि आप उसकी हिफाजत कर सकें और दुश्मन की नज़र को बिल्कुल इस तरह से देखें। जी जनाब, तो आ जाते हैं अपने प्रोग्राम में। और आज हम अपने प्रोग्राम में क्या बनाएंगे, बहुत ही ज़बरदस्ती 3 चीज़ें हम बनाना शुरू करेंगे। आज एक तो हम बनाएंगे बहुत ही अच्छा सा अफ़गानी कीमा कढ़ाई बनाएंगे। कैसे बनेगी, ये मेरे पास कीमा रखा है, ये मैं आपको बताती हूँ। अफ़गानी कीमा कढ़ाई बनेगी। इसके अलावा हम पालक पनीर बनाएंगे और बनाएंगे मेवे वाले नान। जी जनाब, बहुत ही ज़बरदस्त से मेवे वाले नान बनेंगे क्योंकि कॉम्बिनेशन जो है एक बहुत ही अच्छा सा है, पालक पनीर और इसके अलावा अफ़गानी कीमा कढ़ाई और मेवे वाला नान। अच्छा, यहाँ पर हम एक काम करते हैं, वैसे तो आप अपने घर में इसको थोड़ा मैरिनेट करके कीमे को रखिएगा, लेकिन चूंकि मेरे पास इतना टाइम नहीं है और फिलिप्स का बहुत ही खूबसूरत सा ये मेरे पास चॉपर मौजूद है तो मैं इसके अंदर इसकी मिक्सिंग कर लेती हूँ। मिक्सिंग से क्या होगा कि बहुत ही अच्छा सा एक इसका टेक्सचर हो जाएगा। फिर हम इसकी कुकिंग करेंगे, कैसे करेंगे ये आपको बताएंगे। फिलिप्स की आपको पता है होम अप्लाइंसेस जो हैं वो हम प्रोग्राम में बहुत यूज़ करते हैं, हमेशा से देखते चले हैं और इतने कारामद होते हैं, इतनी चीज़ें काम आती हैं। और सबसे बड़ा इनका जो मीट मिंसर है, मीट मिंसर जो है आपको पता है कि बहुत ही कारामद चीज़ है और घर में ही आप बहुत साफ़ सुथरा, बहुत अच्छा कीमा जो है वो तैयार कर सकते हैं बजाय इसके आप लेके जाएँ और बनवाएँ। तो फिलिप्स का मीट मिंसर से बहुत, और फिर इसके अलावा आप हेल्दी रहना चाहते हैं तो आप फिलिप्स का एयर फ्रायर लेकर आ जाइए। फिलिप्स के एयर फ्रायर की इतनी खूबियाँ हैं, अपने प्रोग्राम में मैं इतनी चीज़ें बना चुकी हूँ और आप यकीन करें हर वो चीज़ जो हमने से कुकिंग की, बेकिंग की, ग्रिलिंग की, फ्राइंग की, सब चीज़ें जो हैं बेहतरीन निकल गई, अंदर तक वो बहुत अच्छी पक भी गईं। तो आप ज़रूर फिलिप्स का एयर फ्रायर यूज़ कीजिए। इसके अलावा मैं आज यहाँ पे इसका चॉपर यूज़ कर रही हूँ जो बेहतरीन है। हम अपने बचपन से देखते आए हैं होम अप्लाइंसेस जितने भी हैं आपने देखा फिलिप्स के, वो हमारे घरों में भी इस्तेमाल होते हैं। और सबसे बड़ी चीज़ ये कि इस पर बड़ी अच्छी प्रमोशन चल रही है, तो आप काइंडली जाइए daraz.pk, ये ऑनलाइन भी आप इसकी परचेजिंग कर सकते हैं। आपको मिलेगा एक फ्री गिफ्ट, आपको बैग मिलेगा बहुत अच्छा सा जिसमें आप थर्मल बैग, इसमें आप अपना खाना जो है वो गर्म, पिकनिक पे जाते हैं ना तो ज़रूरत पड़ती है कोई ऐसी चीज़ होना चाहिए, तो फिलिप्स का थर्मल बैग आपको मिलेगा जो आपके खाने को गर्म रखेगा। यहाँ पर हमने कीमा ले लिया है, कीमा है हमारे पास 750 ग्राम
750 ग्राम से थोड़ा सा ये मेरे पास कम है। अच्छा, इसमें हमें पपीता डालना है। ये मेरे पास पपीता है। अब पपीता हमें पहले से लगा के रखना चाहिए था, लेकिन क्या है कि आपको दिखाना भी था, तो इसलिए मैं पपीता इस वक्त शामिल कर रही हूँ। पपीता है, इसके अलावा इसमें हम शामिल करेंगे ये अदरक और लहसुन का पेस्ट शामिल करेंगे। इसके अलावा हम इसमें और चीज़ें शामिल करेंगे, जिसमें कि हमारे पास मौजूद है बादियान। बादियान यानी स्टार एनिस जिसे कहा जाता है, ये आपको ईजीली मार्केट में मिल जाएगा। बिरयानी में इसका इस्तेमाल किया जाता है, बहुत सारे चाइनीज़ खाने जो है उसमें इस्तेमाल किया जाता है। फाइव स्पाइस पाउडर जो है उसके अंदर इसका इस्तेमाल किया जाता है। इसको इसमें जो आप डालते हैं किसी भी चीज़ में तो हल्की सी एक सौंफ की सी खुशबू आती है, तो मैं इसमें हाफ अ टीस्पून इसको भी शामिल करूँगी। ये चला गया पिसा हुआ गर्म मसाला, 3/4 से 1 टीस्पून तक आप इसमें शामिल कर सकते हैं, लेकिन मैंने शामिल कर दिया तकरीबन 1 टीस्पून। इसके अलावा नमक मिर्च, नमक डालेंगे हम इसमें जायके के मुताबिक, लेकिन 1.5 टीस्पून आपने देखा मैंने भर के शामिल किया था, क्योंकि ज़्यादा हो जाएगा तो आप कम हो जाएगा तो आप डाल सकते हैं, कीमे में अगर ज़्यादा हो जाए तो बड़ा मसला हो जाता है। और ये गया इसके अंदर हमने शामिल की पिसी हुई लाल मिर्चें, ठीक है, ये तमाम चीज़ें गई। और साथ ही हम इसमें डालेंगे चने का पाउडर। आप चने का पाउडर डालें या फिर आप इसके अंदर शामिल कर सकते हैं बेसन का आटा भी, बेसन भी शामिल कर सकते हैं। उससे क्या होता है कि अच्छी सी बाइंडिंग इसके अंदर आ जाएगी। मैं इसमें शामिल करूँगी तकरीबन 1.5 टेबल स्पून, ठीक है, ये चला गया इसमें 1.5 टेबल स्पून। अब मैं क्या करूँगी, फिलिप्स का जो मेरे पास मौजूद है चॉपर, इसके अंदर इसको डाल देती हूँ। इससे मुझे बहुत आसानी हो जाएगी और कीमा बहुत ही अच्छा सा मिक्स हो जाएगा। और फिर हम किस तरह से इसको कुक करेंगे ये आप देखिएगा। बहुत ज़्यादा आपने इसको बारीक नहीं करना है, ठीक है, ये चला गया। और अब हम इसके बाद इसको बंद कर लेते हैं। बहुत आसान, बहुत खूबसूरत सी चीज़ है, इसको मैं चला लेती हूँ। बस हमने थोड़ा सा मिक्स करना है। चलें जी, अब इसे क्या है कि मसाले जो हैं बहुत अच्छे से मिक्स हो गए हैं। ये फिलिप्स का मेरे पास चॉपर मौजूद था, इससे मैंने कर लिया। अब मैं काम ये करूँगी कि मैं इसको निकाल लूँगी, ठीक है। निकालने के बाद मैं इसको किस तरह से कुक करूँगी ये हम आपको बताएंगे एक ब्रेक के बाद। लेकिन हम आज आपसे एक सवाल पूछेंगे, छोटा सा सवाल है कि आपने बताना है कि कौमी तराना, पाकिस्तान का कौमी तराना जो है वो किस शायर ने लिखा था। आपको मिलेगा NHC तरफ से बहुत ही अच्छा सा गिफ्ट, या फिर आप 888-1 के ऊपर आप इसको सेंड भी कर सकते हैं। एक छोटा सा ब्रेक। जी एक ब्रेक के बाद हम वापस आ चुके हैं और अब बनाएंगे हम अपनी दूसरी रेसिपी। दूसरी रेसिपी हमारी क्या है वो हम आपको बता दें, लेकिन पहले एक दफ़ा अफ़गानी कीमा कढ़ाई की रेसिपी को मैं रिपीट कर देती हूँ कि हमने अफ़गानी कीमा कढ़ाई को क्या किया था। तमाम चीज़ें मिक्स करके हमने एक दफ़ा हमने फिलिप्स का जो हमारे पास चॉपर मौजूद था उसके अंदर हमने मिक्सिंग कर ली। आप चाहें तो इसी तरह से करके देर तक के लिए अगर आप रख रहे हैं 2 से 3 घंटे के लिए तो आप रख सकते हैं, लेकिन मेरे पास टाइम नहीं था तो इसलिए मैंने अभी तमाम चीज़ें मिला ली। हमारे पास 600 ग्राम हमारे पास यहाँ पे कीमा है, गाय का कीमा है। गाय के कीमे को ज़रा चिकना हो तो और भी बहुत अच्छा है ना, वो मैंने लिया है। इसमें मैंने शामिल किया था 1 टेबल स्पून अदरक लहसुन का पेस्ट शामिल किया था, 1 टेबल स्पून भर के हमने इसमें पपीता शामिल किया था, 1.5 टी स्पून हमने इसमें नमक शामिल किया, 1.5 टी स्पून हमने इसमें पिसी हुई लाल मिर्च, पिसावा धनिया तकरीबन 1.5 टी स्पून। इसके अलावा हमने शामिल किए थे इसके अंदर क्या चीज़ शामिल की थी, बेसन। बेसन शामिल किए, बेसन शामिल करें या चने का आटा शामिल करें इसमें तकरीबन इसमें 1 टेबल स्पून आपने शामिल करना है। बादियान का पाउडर, अब बादियान का पाउडर आपको हट के लगेगा थोड़ा सा, वो हमने इसमें शामिल किया था तकरीबन 3/4 टीस्पून, पिसावा गरम मसाला वो भी 3/4 टीस्पून। अब मेरे पास यहाँ पर प्याज मौजूद है, बारीक कटी प्याज, ये डालेंगे। इसके अलावा थोड़ा सा मक्खन और तेल दोनों मिला के हल्का सा सौते कर लेंगे। सौते करेंगे उसके बाद ये कीमा उसके अंदर डाल के हम कुछ देर के लिए कुक करेंगे, तो आप देखिएगा कितना बेहतरीन कीमा बनेगा। अपनी दूसरी रेसिपी हम बनाएंगे, हमारी दूसरी रेसिपी है यहाँ पर पालक पनीर। इसके लिए हम एक काम करते हैं कि चूल्हा ऑन कर लेते हैं और यहाँ पर हम एक बस काम करते हैं कि थोड़ा सा मैंने बटर लिया है, ये ठीक है, ये गया बटर। इसमें हम थोड़ा सा तेल शामिल करते हैं, तकरीबन 2 टेबलस्पून बटर और 2 टेबलस्पून आपने ऑयल ले लिया, सही है, ये चला गया। इसको एक काम करते हैं कि थोड़ा सा हम गरम कर लेते हैं। जैसे ही ये गरम होगा, एक मिनट चलें, मैं ऑन करूँगी तो गरम होगा ना, ये गरम हो जाएगा तो मैं इसके अंदर ये टमाटर,
एक बड़े साइज़ का या दो मीडियम साइज़ के टमाटर बारीक पीस लीजिएगा, वो इसके अंदर हम शामिल करेंगे और कॉलर से बात करेंगे। अस्सलाम वालेकुम। हेलो, अस्सलाम वालेकुम, कैसी हैं समीना वाजी? मैं बिल्कुल ठीक ठाक, मज़े में। आप कैसी हैं? खैरियत से हैं? मेरी आपके प्रोग्राम में ही आज पहली दफ़ा कॉल लगी, और बल्कि मैं ये कहूँ कि अगर आज मेरी कॉल मैंने पहली दफ़ा की है मसाला पे। अरे वाह, मेरी कॉल जो थी ना इत्तेफाक के तड़का में भी मेरी कॉल लगी। अरे वाह, और आज के आज आपके प्रोग्राम में भी लग गई। वेरी गुड जनाब, आज लकी डे है, यौमे दफाए पाकिस्तान है ना। तो बड़ी खुशी हो रही है, बहुत ऐसे ट्राई कर रही थी लेकिन मेरा नंबर नहीं मिल रहा था। चले गुड, वेरी गुड, आपको नंबर भी मिल गया और साथ ही आपकी कॉल भी लग गई। आपसे बात करके यार माशाल्लाह आप बहुत अच्छी लगती है और समझाती बहुत अच्छा हो, इतने अच्छे तरीके से बंदा रेसिपी भी आराम से बना लेता है। चले वेरी गुड, थैंक यू सो मच। सवाल का जवाब तो दीजिए। सवाल का जवाब दूंगी, ये जो है ना किसको जो है ना हफीज जालंधरी ने लिखा है जून 1952 में। अरे वाह, और उसके अलावा इसका जो म्यूजिक था ना वो पहले तैयार हो गया था अहमद जी चांगला ने 21 अगस्त 1949 में किया था, और इसको अडॉप्ट जो किया गया ना 13 अगस्त 1954 में इसको अडॉप्ट किया गया, और इसको जो गाया है ना अगर इसका सॉन्ग मतलब सॉन्ग में जो गाया तो फर्स्ट टाइम अहमद रुश्दी ने अपनी आवाज में गाया था। जज़ाकअल्लाह, खुश रहिए माशाल्लाह, बहुत ही ग्रेट इन्फॉर्मेशन। इसमें कुछ चीज़ें मुझे भी नहीं पता थी जो आपने बताई हैं, बहरहाल बहुत शुक्रिया। मुझे खैर ये पहले भी जो है ना मुझे बहुत अच्छा लगता है क्योंकि मैंने ज़्यादातर जो है ना मैं हर चीज़ की ना इन्फॉर्मेशन लेके फुल देती हूँ, तो ये अच्छा लगता है। चले बिल्कुल, ये तो बहुत अच्छी बात है, बड़ा अच्छा माशाल्लाह आपका होमवर्क है, और हमारी दुआ है कि आज आपका नाम ज़रूर शामिल कीजिएगा। मैं फर्स्ट टाइम मेरी कॉल है आपके प्रोग्राम में। चले बहुत अच्छा लगा, हमें भी बहुत अच्छा लग रहा है आपसे बातचीत हो रही है। थैंक यू सो मच कि इतनी डिटेल में आपने हमें सवाल का जवाब दिया। आई एम श्योर कि जिन लोगों को नहीं पता है बहुत सारी चीज़ें तो उनको पता चल गई। इसी तरह से हमें कॉल करती रहेगा, थैंक यू सो मच, बहुत शुक्रिया। अच्छा जी, जैसे ही वाकई इतनी डिटेल में जवाब मतलब दरअसल कम कम लोग देते, कुछ इन्फॉर्मेशन होती भी है तो उस वक्त याद नहीं आती है, और बहुत अच्छा है कि इन्होंने सारी इन्फॉर्मेशन दी है। अच्छे, अब मेरी भी दुआ है कि अल्लाह ताला इनका नाम कुरानदाजी में निकाले ताकि जो बहुत सारे लोग जिनको चीज़ें नहीं पता थी उन्हें भी पता लग जाएंगे। मक्खन गरम हो गया, तेल गरम हो गया, तो मैंने उसमें टमाटर जो पिसा हुआ था वो इसके अंदर शामिल कर दिया। मैं मसाला बना लूँ फिर मैं आपको बताऊँगी कि हमने पालक में क्या क्या चीज़ें शामिल की। अब मैं इसमें शामिल करूँगी थोड़ी सी, बिल्कुल एक दो चुटकी में इसमें पिसी हुई लाल मिर्च, एक से दो चुटकी इसमें हमने शामिल किया हल्दी को। इसमें नमक शामिल करेंगे जायके के मुताबिक, लेकिन एक चीज़ का ध्यान रखिएगा, पालक का इस्तेमाल जिस जगह पे भी होता है वहाँ पर नमक आपने कम इस्तेमाल करना है, क्योंकि पालक में ऑलरेडी नमक होता है और जो आपकी चीज़ों को फिर बेटर कर देगा, अच्छा नहीं रहेगा। पालक जब भी बनाएं उसमें क्रीम और दूध का इस्तेमाल करें तो वो माइल्ड हो जाता है और खाने में बहुत अच्छा हो जाता है, हल्की सी एक बिटरनेस फील होती है। जिन लोगों को ज़्यादा पसंद नहीं लेकिन जिन लोगों को अच्छा लगता है वो बहुत शौक से खाते हैं। अच्छा, ये जैसे ही थोड़ा सा, बस हमने ज़्यादा इसको भूनना नहीं क्योंकि टमाटर भी आपको पता है कि बहुत ही अच्छा सा बॉयल और पिसा हुआ था, तो इसलिए ऐसा ज़रूरत नहीं है। अब आ जाते हैं इस पर पालक के ऊपर। पालक में मैंने किया था कि एक किलो मेरे पास पालक थी, एक किलो मैंने पालक लिया। पालक के अंदर हमने दो से तीन हरी मिर्चें शामिल की, हरी मिर्ची नहीं, दो जवे लहसुन के लिए, और थोड़ी सी कसूरी मेथी, तकरीबन हाफ अ कप हमने कसूरी मेथी इसके अंदर शामिल की। और उसके बाद हमने हाफ कसूरी मेथी ड्राई फॉर्म में मत डालिएगा, ड्राई फॉर्म में अगर डालेंगे तो आपने 1 टेबल स्पून डालनी है, लेकिन अगर आप नॉर्मल हरी मेथी डालेंगे वो आप 3 से 4 टेबल स्पून डालेंगे। मैंने कसूरी मेथी, वो तो ड्राई होती है ना, ड्राई अगर आप इतनी डाल देंगे तो इतना अच्छा नहीं रहेगा, वो डाल के मैंने इसको थोड़ा सा मैंने बॉयल कर लिया। बॉयल करने के बाद बस हल्का सा मैंने इसको बॉयल किया, और बॉयल करने के पानी डिस्कार्ड कर दिया, और थोड़ा सा चॉपर में डाल के इसको चॉपराइज कर लिया। अब ये मैं इसमें शामिल कर दूँगी, अब इसको मैं ज़रा देर तक कुक करूँगी, ठीक है जी। बहुत ही शानदार सा पालक पनीर जो है वो तैयार होगा। ये चला गया, इसको हम अच्छी तरह से मिक्स कर देते हैं, और कुछ क्रीम का इस्तेमाल करेंगे, लेकिन क्रीम मैं अभी नहीं डाल रही हूँ, थोड़ा सा इसको मिक्स कर लेते हैं, मिक्स कर लेते हैं, मिक्स करके इसको पकने के लिए छोड़ देंगे, ठीक है। फिर इसमें हम कॉटेज चीज़, कॉटेज चीज़ मेरे पास मौजूद है। अब कॉटेज चीज़ आप चाहें तो थोड़ा सा उसके अंदर उसको फ्राई भी कर सकते हैं, लेकिन आज हम थोड़ा सा ग्रीन, और आपको पता है वाइट कलर का ज़्यादा इस्तेमाल करें चीज़ों में, तो इसको हम वाइट रहने देंगे। अब मैं काम करती हूँ, इसको मैं रख देती हूँ,
बस ये कुक होने के लिए मिक्स कर देती हूँ, ठीक है। अब ब्रेक आ रहा है, ब्रेक में मैं काम ये करूँगी कि जो ये प्याज है मेरे पास, अब हम कीमे की तरफ जाएंगे, अफ़गानी कीमा कढ़ाई, ये मेरे पास प्याज है, ठीक है, और मेरे पास मक्खन मौजूद है। इसको हल्का सा सौते करेंगे और ज़्यादा कुछ नहीं करेंगे, लेकिन आपने सवाल का जवाब देना है कि पाकिस्तान का कौमी तराना किसने लिखा है। आपको मिलेगा एनएस की तरफ से बहुत ही अच्छा सा गिफ्ट, 888-1 पर भी आप इसको हमें मैसेज कर सकते हैं। एक छोटा ब्रेक। एक ब्रेक के बाद हम वापस आ चुके हैं और आप देख रहे हैं हमारा प्रोग्राम, और यहाँ पर मैं अफ़गानी कीमा कढ़ाई के लिए मैंने यहाँ पर क्या किया कि मैंने यहाँ पे मैंने सोचा ब्रेक टाइम में काम करती हूँ कि मैं प्याज को सौते कर दूँ। अब प्याज मैं आपको चेक करा देती हूँ, बहुत ज़्यादा वैसी नहीं है प्याज, ये देखें बहुत बारीक प्याज थी, इसको हमने हल्का सा ट्रांसपेरेंट कर लिया है, ओके। अब मैं इसमें क्या करूँगी कि जो हमने मिक्स किया हुआ कीमा इसमें रखा था, ओ बिस्मिल्लाह, ये डाल देते हैं हम इसमें, ठीक है, ये गैस में को अच्छे से मिक्स कर दें, ठीक है। जब अच्छे से ये मिक्स हो जाएगा, इसको हम खूब अच्छा भूनेंगे, और भूनने के बाद इसमें क्या क्या चीज़ें शामिल करेंगे वो भी मैं आपको बता देती हूँ। अच्छा, एक तो हम इसमें चारों मगज़, ठीक है, चारों मगज़ का इस्तेमाल करेंगे। अच्छा, रेसिपी कार्ड में आपने देखा होगा उसमें चिलगोज़े भी लिखे हुए, ये मैंने बहुत पहले एक दफ़ा रेसिपी बनाई थी, और जब चिलगोज़े जो थे अफोर्डेबल थे, लेकिन अब दहरे चिलगोज़े ज़रा खाना मुश्किल काम है, तो काइंडली आप बिल्कुल मत डालिएगा, इसके अंदर आप डाल सकते हैं बहुत आराम से चारों मगज़ जो मेरे पास यहाँ मौजूद है। इसको मैं कवर कर देती हूँ, अब ये इसी में कुक होता रहेगा, पानी छोड़ेगा कीमा और बहुत बेहतरीन सा ये तैयार हो जाएगा। आ जाते हैं अपने पालक पनीर पे दोबारा से एक दफ़ा, ठीक है, क्योंकि इसमें अब हम क्या डालेंगे, हम इसमें बाकी के इन्ग्रीडियंट्स जो है वो ऐड करेंगे, जिसमें कि थोड़ा सा आटा इसके अंदर शामिल करेंगे, आटा या मैदा 1 टीस्पून, इससे एक अच्छी बाइंडिंग आ जाएगी। क्रीम इसके अंदर शामिल करेंगे, इट्स अप टू यू कि कितनी पसंद करते हैं, 4 टेबलस्पून, ठीक है, ये चली गई। और अब मैं इसको मिक्स कर लेती हूँ, मिक्स करके 2 मिनट के लिए हम इसको रखेंगे, बहुत ही अच्छा सा इसका टेक्सचर आ गया। 2-3 मिनट के लिए मैं इसको रखूँगी और फिर उसके बाद मैं इसका चूल्हा बंद कर दूँगी। तो पालक पनीर हमारा तैयार है। अच्छा, इस पर पनीर यानी कॉटेज चीज़ जो हम इस्तेमाल करेंगे, आप चाहें तो इसको थोड़ा सा वो भी कर सकते हैं, फ्राई भी कर सकते हैं, बट मैं फ्राई नहीं करूँगी, सही। इसको हम कवर कर देते हैं, कॉलर से बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम, हेलो हेलो, अस्सलाम वालेकुम आपा। वालेकुम अस्सलाम भाई, कैसे हैं आप, खैरियत से हैं? जी जी, अल्लाह का शुक्र, आप कैसे हैं आपा? बिल्कुल ठीक ठाक, बहुत मज़े में। आप बताइए क्या हाल चाल है, क्या कर रहे हैं? जी, आपकी रेसिपी बना रहा हूँ। आप पहले तो आपको जुमा मुबारक। बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया जनाब, इसी तरह से आप हमें कॉल करते हैं। जी बताइए, और क्या कहना चाहेंगे? खाली बहुत अच्छा रहा आपका। अच्छा, कैसा लगा, अच्छा लगा आपको? जी, मसाला भिंडी मैंने बनाई और सिंधी पुलाव। अच्छा, अच्छा लगा? जी जी, अच्छा लगा, बहुत मज़ा आया। चले, गुड, वेरी गुड। इसी तरह से हमारी चीज़ों को बनाइए और हमें बताइए कि किस तरह की बनती, और बताइए। सवाल का जवाब दूंगी। बिल्कुल जी, दीजिए जी। हाफिज जालंधरी। अच्छा चले, ठीक है, आपके सवाल का जवाब हम तक पहुंच गए हैं, और बताइए क्या कहना चाहते हैं, और कोई और सवाल, कोई बात, कोई प्रोग्राम के मुताबिक कोई चीज़ अगर आप कहना चाहते हैं तो वो भी आप काइंडली हमें बता सकते हैं। हेलो, चले जी, हमारे कॉलर जो है वो जा चुके हैं। अच्छा जी, यहाँ पर हम बना रहे हैं मेवा नान। मेवा नान में क्या किया है, मैंने आटा ऑब्वियसली गूंद के रखा है, उसकी वजह आपको पता है कि ज़ाहिर हमारे पास इतना टाइम इतना नहीं होता है कि हम जो है इस वक्त इसको गूंदें, और गूंदने के बाद ये राइस हो। हाफ़ के जी मैंने मैदा लिया, ये मेरे पास मैदा रखा हुआ है, हाफ़ के जी मैंने मैदा लिया, उसके अंदर मैंने 4 टेबलस्पून पिघला हुआ घी शामिल किया, 1.5 टीस्पून ईस्ट यानी खमीर शामिल किया। खमीर शामिल करने के बाद मैंने क्या किया कि उसके अंदर नमक डाला, 1 टीस्पून आप नमक शामिल कीजिएगा इसके अंदर, 1 टेबलस्पून चीनी शामिल कीजिएगा इसके अंदर, और फिर उसके बाद अच्छे से मिक्स करके इसको गूंद के रख दीजिएगा। मैंने गूंद के रखा था, अपने साइज़ से अच्छा खासा डबल हो चुका है, और अब हम एक काम करते हैं, पालक पनीर का चूल्हा बंद कर देते हैं, ये बंद हो गया, और आ जाते हैं नान पर, ठीक है। गूंद के आप थोड़ी देर के लिए इसको रखिएगा तो बहुत ही अच्छा सा हो जाएगा, और अब इसके हम बनाएंगे नान। अब आप जैसे भी नान बनाना चाहते हैं, गोल बनाना चाहते हैं गोल बना लीजिए, लंबे बनाना चाहते हैं लंबे बना लीजिए, जैसा आपका दिल चाहे। ऐसा करते हैं थोड़े से लंबे कर लेते हैं आज ना। अच्छा, लेकिन साइज़ इनका छोटा ही होगा, ठीक है। इस तरह से करके हम इसको बना लेते हैं।
अच्छा, इसको बनाने के बाद भी आपने थोड़ी सी देर के लिए आपने रखना है, आपने डायरेक्टली नहीं बना देने। दादा मुझे बेहतर लगता है कि आप इस तरह से बना लें, ठीक है जी। ये देखें जी, हो गया ना, इसको हाथ से कर लें ज़्यादा अच्छा रहेगा, ये ज़बरदस्त, सही है, ये हो गया। अब हाथ से ही, उंगलियों से ही हमने क्या ज़रा सा इस पर वो लगा लेते, ऑयल लगा लेते, और हाथ से आप ऐसे कीजिए, ये देखें जी, ये इस तरह से आप करते जाएंगे तो ये वही इफ़ेक्ट आ जाएगा। किसी सांचे की आपको ज़रूरत नहीं, आपके अपने हाथ ही हैं बहुत अच्छे। अच्छा, इसको अब हमें काम करते हैं, ग्रीस ट्रे में इसको रख देते हैं, एक पहले रखते हैं और फिर इसके ऊपर मैं अभी आपको बताती हूँ कि अभी हमने और क्या करना है। थोड़ा सा चिपकने से इसको बचाते हैं, ये इसके ऊपर सही साइज़ में थोड़ा सा इसको हमने कर दिया है। अच्छा, इसको भी इसी तरह से हम ये देखें, ये इस तरह से बराबर बराबर करके आप करते जाएंगे, ठीक, ये हो गया। थोड़ा सा अगर आपको लग रहा है इधर कम है तो इधर इस तरह कर दें, और ये आ गया इधर, एक और ले लेते हैं, ठीक है, एक पेड़ा मैं और ले लेती हूँ ताकि हमारे तीन नान तो एटलीस्ट हो जाए। चले थोड़ा सा, चले एक और ले लेते हैं, और उसके बाद हम इसमें क्या मेवा जार डालेंगे मैं आपको अभी बताती हूँ। इसको भी मैं हाथ से ही करूँगी, हाथ से ज़्यादा बेहतर हो जाता है, ठीक है। हाथ पे हल्का सा अगर आप ऑयल लगा लें और उसके बाद आप इसको ये देखें, ये देखें जी, इस तरह से ये हो गया, और अगेन इस तरह से आपने ये देखें, बेहतरीन। और इसको हम उठाएंगे, यहाँ रख देंगे, सही है, ये मैंने यहाँ रख दिया। अच्छा, अब मसला सारा ये है कि एक मिनट कि इसको मुझे रखना है थोड़ी सी देर के लिए, लेकिन मैं फिर भी लगा देती हूँ उस पर गैस सफ़ेद तिल, ठीक है, ये चले गए। और इसके बाद हम डालेंगे थोड़े से इससे पिस्ते, बारीक कटे हुए ये गैस में पिस्ते, चूँकि ये मेवा नान है तो ऑब्वियसली हमें डालने हैं थोड़े से। अच्छा, और भी चीज़ें आप इसमें डाल सकते हैं अगर जो आपको अच्छी, लेकिन ये कि अफ़गानी चीज़ों में बादाम पिस्तों का इस्तेमाल बहुत ज़्यादा किया जाता है। अवन मेरा बिल्कुल अच्छा सा गर्म हुआ हुआ है, ये हो गया एक सेकेंड, और थोड़े से हम डालेंगे इस पर ये बादाम भी मेरे पास मौजूद है, ये भी डाल देते हैं, ठीक है। अब मैं इसको पहले से गर्म अवन में रखूँगी इतनी देर के लिए कि अच्छा सा इस पर कलर आ जाएगा। एक ब्रेक का टाइम है, ब्रेक के बाद आपसे मुलाकात करते हैं। जी, एक ब्रेक के बाद हम वापस आ चुके हैं और आप ये देख रहे हैं कि हमारे नान भी यहाँ पे तैयार हो चुके हैं, और इस पे मैं थोड़ा सा ब्रश कर देती हूँ तो एक अच्छा सा ग्लेज जो है वो इस पे आ जाएगा, ठीक है जी। पानी का थोड़ा सा स्प्रे करें वो ज़्यादा और भी अच्छा रहता है ना साइड्स पे ना। ये हमारा ओवन थोड़ा सा शायद तेज़ था पीछे से, लेकिन बहरहाल मज़ेदार सा लग रहा है बहुत ना, ये देखें। पानी नहीं है, ब्रश नहीं है, वो मेरे पास स्प्रे नहीं है, इसलिए मैंने इसको थोड़ा सा ज़्यादा इस पर, क्योंकि मेवा नान है हल्का सा मिठास भी इसके अंदर होगी, बहुत मज़ेदार लगेगा, ठीक है। ये हो गया, इसको हम हटा देते हैं, और एक काम करते हैं मैं इसको पीछे रख देती हूँ, आपने देख तो लिया है, फिर मैं इसको निकालूंगी तो फिर आप देख लीजिएगा। चलो बिस्मिल्लाह, बहुत ही अच्छा सॉफ्ट सा बना है, ये देखेंगे कितना अच्छा है, गुड, वेरी नाइस। मैं आपको दिखाती हूँ, ये देखें, ये नीचे से भी आप चेक करें, बिल्कुल बहुत ही अच्छा सा इसका कलर है, बिल्कुल अच्छा हल्का सा जो गोल्डन कलर आता है वो अच्छा सा आ गया इसके ऊपर। और ये बाकी चीज़ें जो मेवा वगैरह लगा हुआ है आप इसको खाइएगा पालक पनीर के साथ जो यहाँ पे तैयार हो चुका है। ऐसा करते हैं पालक पनीर निकाल लेते हैं, ठीक है जी, बेहतरीन सा ये पालक, इसका टेक्स्चर आप चेक कीजिएगा, ठीक है ना। पालक पनीर हमें इस तरह से रखना है, स्लाइटली सॉफ्टनेस होना चाहिए इसमें, बहुत ज़्यादा गाढ़ा हो जाता है वो अच्छा नहीं लगता। और आपने देखा कि मैंने कितना कम इसको कुक किया है, ठीक है, और बॉईल भी हमने इसको बहुत ही कम किया था, यानी 2 से 3 टेबलस्पून आप पानी इसमें डालिएगा और उसके बाद इसको कुक कर लीजिएगा। पानी ज़्यादा डालेंगे तो बेकार रहेगा, पालक का अपना पानी होता है वो बिल्कुल सही रहेगा, ठीक है। ये बहुत ही अच्छा सा हो गया, इसको हटा देते हैं, और अब इसके ऊपर कॉटेज चीज़ जो मेरे पास यहाँ रखा हुआ है, इसको मैंने फ्राई नहीं किया है, आपका दिल चाहे तो आप इसको फ्राई भी कर सकते हैं, ठीक है जी।
अच्छा कीमा यहाँ पे बिल्कुल तैयार है, सही है, वो भी मैं आपको अभी दिखा देती हूँ कि किस तरह से कीमे की का जो टेक्सचर है ना वो कैसा होना चाहिए। बहुत ही अच्छा, बहुत ही पालक पनीर, आप जाते हैं बाहर जाते हैं किसी भी रेस्टोरेंट में खाने के लिए, इतना महंगा होता है कि आप यकीन करें घर में बनाएं बहुत ही बेहतरीन रहता है, आसानी के साथ बन जाता है, कोई मुश्किल नहीं होती इसको बनाने में। आपने देखा क्या मुश्किल हुई, सब आसानी से हमने इसको बना लिया, जितना आपको दिल चाहे। वैसे ही मैंने देखा है कि पूरी पूरी शादियों में बाज़ात क्या होता है, पालक पनीर की डिश मुझे बहुत अच्छी लगती है, मैं ज़रूर टेस्ट करती हूँ, लेकिन होता क्या है कि पूरी बड़ी जो थाल होता है ना उसके अंदर इतना चीज़ होता है, इससे ज़्यादा नहीं होता ना। तो बारह, लेकिन अपने घर में आप दायरे कर सकते हैं जितना आपको अच्छा लगता है। और मैं आपको ये दिखा देती हूँ, ये कीमा, ओह बहुत ही मज़ेदार सा कीमा जो है, ये देखिए इसका आप टेक्सचर चेक करें, इसलिए इसमें हमने पपीता डाला था और उसके साथ साथ हमने शामिल किया था इसके अंदर क्या चीज़, हमने शामिल किया था इसके अंदर वो बेसन, बेसन या चने का आटा। ये देखिए इसका ये टेक्सचर होना चाहिए, बहुत ही शानदार सा हमारा कीमा ये भी तैयार हो गया। इसको बस मैं दो मिनट और रखती हूँ और उसके बाद हम इसको निकालेंगे और बेहतरीन सा इसको गार्निश करेंगे चारों मगज़ के साथ। मेरे पास यहाँ बादाम मौजूद थे तो मैंने सोचा बादाम भी इसमें डाल देती हूँ। और एक कॉलर है, उनसे बात करेंगे। इकरा है कराची से, अस्सलाम वालेकुम इकरा। वालेकुम अस्सलाम, कैसी हैं आंटी आप? बिल्कुल ठीक ठाक, मज़े में। आप बताइए आप कैसी हैं, खैरियत से हैं? जी अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह का शुक्र है। और आंटी आपकी शो की तारीफ करूंगी, और जो आपने उसको वीक चलाया था थाली वीक, वो बहुत ही अच्छा वीक था। चले गुड, आपको पसंद आई चीजें? बहुत पसंद आई, खास तौर पे जो आप थाली वो सजाती थी ना, वो छोटी छोटी सी प्यालियाँ और सब, वो बहुत अच्छी लगती थी। बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया, आप तमाम लोगों के लिए ये मेहनत की थी, आप लोगों को अच्छी लगेगी तो मुझे तो बहुत ही अच्छा लगेगा। बिल्कुल बिल्कुल। और आंटी मैं क्वेश्चन का आंसर देना चाहूंगी। जी जी बिल्कुल दीजिए। ये सैंडविच मेकर जीतना है अपने छोटे के लिए। अपने छोटे के लिए, चले बिल्कुल बताइए, बिल्कुल बताइए क्या सवाल के जवाब है। हफीज जाने, चले ठीक है, सही है। आपको मिलेगा एक कोई गिफ्ट हैम्पर, हम आपको देंगे, तो देखिए क्या मिलता है आपको। बहुत शुक्रिया। चले जी ब्रेक आ गया, ये देखें बहुत ही ज़बरदस्त से हमारे अफगानी नान जो है ये बन चुके हैं। ये मैं कीमा जो है इसको मैं निकाल रही, एक छोटे से ब्रेक के बाद आपसे मुलाकात करेंगे, ठीक है जी। और सवाल का जवाब आप दीजिएगा कि हमारे पाकिस्तान का कौमी तराना किससे लिखा। एक छोटा ब्रेक। افغانی قیمہ کڑاہی، اجزا گائے کا قیمہ 600 گرام، پیاز ایک عدد، ادرک لہسن ایک کھانے کا چمچہ، پسی لال مرچ ایک چائے کا چمچہ، پسا دھنیا ایک چائے کا چمچہ، بادیان پاؤڈر 2 چٹکی، چنوں کا پاؤڈر ایک کھانے کا چمچہ، مکھن 4 کھانے کے چمچے، پپیتا ایک کھانے کا چمچہ، پسا گرم مسالہ 3/4 چائے کا چمچہ، تیل آدھا کپ، ہرا دھنیا ثابت، ہری مرچ حسب ضرورت، چھلے چلغوزے یا 4 مغز 2 کھانے کے چمچے، نمک حسب ذائقہ۔ ترکیب: گائے کے قیمے میں نمک، پسی لال مرچ، چھلے چلغوزے یا 4 مغز، ادرک لہسن، پپیتا، پسا دھنیا، چنوں کا پاؤڈر، بادیان پاؤڈر اور پسا گرم مسالہ ملا کر 2 سے 3 گھنٹے کے لیے رکھ دیں۔ اب تیل اور مکھن گرم کر کے اس پر پیاز سوتے کر لیں، پھر قیمہ ڈال کر اچھی طرح بھونیں اور تھوڑا پانی شامل کر کے پکا لیں، آخر میں بھون کر ہرا دھنیا اور ثابت ہری مرچ ڈالیں اور نان کے ساتھ سرو کریں۔ پالک پنیر اجزا: پالک 1 کلو، ہری میتھی 4 سے 5 کھانے کے چمچے، ہری مرچ 2 سے 3 عدد، لہسن 2 چوے، کاٹیج چیز 1 کپ، چینی 1 چائے کا چمچہ، پسے ٹماٹر 1/2 کپ، نمک حسب ضرورت، پسا زیرہ 1 چائے کا چمچہ، مکھن 4 کھانے کے چمچے، آٹا 1 چائے کا چمچہ، تیل 4 کھانے کے چمچے، کریم 4 کھانے کے چمچے۔ ترکیب: ایک پین میں پالک، ہری میتھی، لہسن، چینی اور ہری مرچ ڈال کر اتنی دیر پکائیں کہ پالک گل جائے۔ اب اس کا پانی نکال کر چاپر میں پیس لیں۔ ایک پین میں مکھن اور تیل گرم کر کے پسی پالک، پسے ٹماٹر، پسا زیرہ اور نمک بھون لیں، پھر اس میں آٹا اور کریم بھی شامل کر کے اچھی طرح مکس کر لیں۔ اب اسے دم پر رکھ دیں، اس کے بعد کاٹیج چیز کے چوکور ٹکڑے کاٹ کر فرائی کر لیں۔ اب ڈش میں پالک نکالیں اور اوپر پنیر ڈال کر سرو کریں۔ افغانی میوہ نان اجزا: میدا 1/2 کلو، خمیر 1.5 چائے کا چمچہ، گھی 4 کھانے کے چمچے، نمک 1 چائے کا چمچہ، چینی 4 کھانے کے چمچے، دودھ 1 کپ، چھوٹی الائچی کا پاؤڈر 1/2 چائے کا چمچہ چھڑکنے کے لیے، سفید تیل 1 کھانے کا چمچہ، باریک کٹے بادام پستے 3 سے 4 کھانے کے چمچے، گھی 4 کھانے کے چمچے۔ ترکیب: میدے میں خمیر، گھی، نمک، چینی، چھوٹی الائچی کا پاؤڈر کو دودھ اور پانی سے گوندھ لیں۔ میدا نرم گوندھ کر تھوڑی دیر کے لیے چھوڑ دیں۔ جب ڈو پھول جائے تو پیڑا بنا کر لمبا رول کریں۔ اس پر باریک کٹے بادام پستے اور سفید تیل چھڑک کر ہاتھ سے دبائیں۔ اس کے بعد پہلے سے گرم اوون میں اتنی دیر بیک کریں کہ اس پر رنگ آ جائے۔ آخر میں نکال کر پانی کا اسپرے کریں اور گھی برش کر دیں۔
ایک بریک کے بعد ہم واپس آ چکے ہیں اور آپ میں نے نان باقی کی بنائی نہیں, آپ اس کو بنائیے گا, بہت زبردست بنتے ہیں. اتنے اچھے سافٹ نان جو ہیں یہاں پہ میں نے تیار کر لیے, لیکن جب آپ گھر میں بنائیں گے تو آپ یقین کریں اس کو جب آپ تھوڑا سا اور پانی کا اسپرے کریں گے اور بھی بہت اچھے ہو جائیں گے. پالک پنیر ہم نے بنایا, یقیناً آپ کو اچھا لگے گا, سمپل سی ڈش ہے. بٹ ہمیشہ آپ دیکھتے ہیں ریسٹورینٹ میں جاتے ہیں تو دال یا سبزی کی کوئی بھی ڈش آپ منگاتے ہیں تو بہت ایکسپینسو پڑتی ہے. گھر میں بنائیے, آپ کو بہت اچھا لگے گا. کاٹیج چیز بھی آپ گھر میں بنا سکتے ہیں, گھر میں بنا کے استعمال کیجیے گا اور بھی اچھا رہے گا. اس کے علاوہ آپ نے دیکھا کہ یہاں پہ افغانی قیمہ کڑھائی, یہاں پہ میں نے اس کو گارنش کر دیا. گارنشنگ میں ویسے ہی کہ اس میں ریسیپی کارڈ میں چلگوزے لکھے ہوئے, یہاں پہ میں نے تھوڑے سے فلیک آلمنڈس ڈالے اور اس کے علاوہ چاروں مغز جو ہیں وہ اس پہ ڈالیں. اس سے بہت اچھا ٹیسٹ آئے گا, آپ کو کھانے میں ایک بہت ہی اچھا سا نٹی فلیور جو ہے اس کے اندر آئے گا جو آپ کو بہت مزہ دے گا. اور تھوڑی سی پیاز ہے, ہری مرچیں ہیں, ہری مرچیں زیادہ ڈالنا چاہیں زیادہ ڈالیں, لیکن کائنڈلی جب بھی آپ کسی چیز میں ہرا دھنیا ہری مرچوں کا استعمال کرتے ہیں تو وہ چیزیں جو ہے نا فریش نظر آنا چاہیے. اگر آپ کڑھائی بھی بناتے ہیں تو آپ چار پانچ ہری مرچیں ڈال دیں, اس کے بعد جب آپ اس کو سرو کرنے لگیں اگین آپ نے تھوڑی سی ہری مرچیں ڈالی اور اس کے بعد آپ اس کو مکس کریں اور اس کے بعد نکال لیں تو ذرا ہری مرچیں کرنچی بھی رہتی ہیں اور تھوڑی سی اسٹیم سے سافٹنیس بھی آ جاتی ہے لیکن گرین رہتی ہیں. تو گرین کلر ویسے بھی آپ کو پتہ ہے کہ پاکستان کے جھنڈے میں شامل ہے تو ہمیں بہت زیادہ عزیز ہے اور ہمارے نبی پاک کا پسندیدہ کلر تھا, اس لیے ہمیں اور بھی بہت زیادہ اچھا لگتا ہے. بہرحال اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا, ان شاء اللہ تعالیٰ اب آپ سے ملاقات کریں گے, ہم منڈے والے دن ملاقات کریں گے. یہ کوئی اچھی سی ریسیپی ہوگی, آپ دیکھیے گا کہ ہم کیا ریسیپی بنانے جا رہے ہیں. اور ہماری بہت دعائیں ہیں کہ اللہ تعالیٰ پاکستان کو سلامت رکھے, کیونکہ پاکستان ہماری پہچان ہے, پاکستان ہے تو ہم ہیں, تو اس لیے اس کی حفاظت ہمیں خود کرنی. یہ ضروری نہیں ہے کہ ہم سرحدوں پہ جائیں اور وہاں جا کے لڑنا شروع کر دیں, ایسا ہرگز بھی نہیں ہے. ہم یہاں رہتے ہوئے بھی اپنے ملک سے محبت کا ثبوت پیش کر سکتے ہیں. اور ثبوت کیا ہے کہ سب سے بڑی چیز جو اب کراچی میں آج کل بہت زیادہ ہو رہی ہے, اپنے ارد گرد گھر سے باہر کی, اپنے محلے کی, گلی کی صفائیاں ہیں, جو اگر ہم چاہیں تو اپنی مدد آپ کے تحت کر سکتے ہیں, کیونکہ وہ صفائیاں جو ہیں وہ بہت زیادہ ضروری ہیں, کیونکہ مکھیاں بیماریاں بہت زیادہ اس سے پھیلتی ہیں. تو اس طرح سے کریں گے تو آنے والے دیکھنے والے کو بہت اچھا لگے گا. تو یہاں سے سٹارٹ کریں, انشاءاللہ آگے آگے سرحدوں پہ بھی جا کے اگر ہماری ضرورت پڑی تو ہم وہاں پہ بھی جا کے بہت کچھ کریں گے. ٹھیک ہے جی, اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا, ویکینڈ کو اچھا سا منائیے گا, اچھی سی عبادات کیجیے گا, اور اگر آپ 9-10 محرم کا روزہ رکھتے ہیں تو ہم سب لوگوں کو بھی دعا میں یاد رکھیے. اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا, دیکھتے رہیے مسالہ چینل, کیونکہ مسالہ ہے تو کھانے میں ہے مزہ. اللہ نے کی بات.